लखनऊ के इको गार्डन में चौकीदार आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी मांग जो है पूरी नहीं की गई है। हम लोग यही प्लान किया है कि घूट घूट से जीने से मतलब कि इको गार्डन में मुख्यमंत्री के दरबार में हम लोग मर जाए। 2500 रुपया में क्या होता है? जब ये आंखों से आंसू आप देख सकते हैं, एक चौकीदार खुशहाल है जो प्रधानमंत्री हैं बने और दूसरा चौकीदार सड़कों पर बैठा हुआ है। आज मैं तो तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तो तेरे दर पे आया हूँ। हम लोग मन बना लिया कि 27 तारीख को अगर भीख भी मांगना होगा तो हम लोग घोड़ा लेकर पूरा चौकीदार 10,000 की संख्या में रोड पर निकाल करके भीख मांगेंगे। कितने तारीख को? 27 तारीख को सर। लखनऊ के इको गार्डन में चौकीदार आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी मांग जो है पूरी नहीं की गई है। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ, आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। कैमरामैन अफजीत से चाहेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करें कि लखनऊ के इको गार्डन में किस तरीके से चौकीदार जो हैं वो अभी भी प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये ग्रामीण चौकीदार वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की तरफ से हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। ये ग्राम पहरिया की तरफ से हैं, लेकिन अफसोस के साथ फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इनकी मांगें जो है वो सरकार की तरफ से नहीं पूरी की गई है। क्यों नहीं पूरी की जा रही है वो तो अब आप ही बताएंगे। सर, मैं तो पहले आपको नमस्कार प्रणाम करता हूँ कि जो आज आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं आप। मैं सब आपको शीश नवाकर प्रणाम करता हूं। और हम लोग आज 17/11/2022 से है अनशन पर बैठे हुए हैं और ये मन बनाकर बैठे हैं कि जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी। देखिए, ये जो चाचा जी हैं, ये हो सकता है कि जान निकल सकती है, ये कंफर्म है कि ये जान भी छोड़ सकते हैं। बाकी अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए बैठे हैं कि हमारा वेतन बढ़ जाएगा तो एक कान देख लीजिए इनका कान, हमारा वेतन बढ़ जाएगा तो हम दर दवा भी करा सकते हैं। तो कैमरामैन अभिजीत से चाहेंगे कि एक बार दिखाने की कोशिश करें कि क्या हाल है यहाँ पर चौकीदारों का। देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरीके से ब्लड आ रहा है कान के बगल से। ये हाल है चौकीदार के, लेकिन शर्म आती है उस चौकीदार पर जो चुनाव जीतने के लिए सिर्फ ट्विटर पर फेसबुक पर नाम चेंज कर दिया गया था कि मैं भी चौकीदार हूं, लेकिन असली चौकीदार बैठे हुए हैं, कान से खून निकल रहा है, धुआं छोड़िए साहब, खून निकल रहा है। अब बताइए ऐसे परिस्थिति में ये अगर यहां पर बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जान जा सकती है। चाचा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रभुनाथ पासवान इनका नाम है। और इनके कान के बगल से, रहने दीजिए, कान के बगल से ब्लड आ रहा है। अपनी मांगों को लेकर आप अड़े हुए हैं, इलाज कराने जाइए, क्यों वहाँ बैठे हुए हैं? भाई साहब, पैसा नहीं है, 2500 रुपया महीना मिलता है, उसमें क्या होता है, किसी तरह से भोजन भी नहीं मिलता है, किसी तरह से जो है अपना हेतु करते हैं साहब। भोजन के लिए भी पैसा नहीं है इन लोगों के पास और कहते हैं हम चौकीदारों को वेतन दे रहे हैं। जी सर जी, कहा पैसा नहीं है इनके पास तो इलाज कहाँ से कराएंगे? कम से कम 1.5-2 लाख रुपये कम से कम चौकीदार का दवाई का बीमा भी होता कि हम वो सरकार के पैसे से दवा करा लेते हैं तो वो भी हो जाता है। इनके पास पैसा नहीं है, 2-4 दिन के मेहमान है, 2-4 दिन के बाद जो होगा। तो चौकीदारों के हाथ में क्या क्या मौजूद है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पतला बिस्तर है, इसमें तो ना ठंडी जाएगी और ना ही गर्मी जो है आपके करीब आएगा, मतलब ये इतना पतला है, इतना पतला है कि हम आपको अगर इसके बारे में और इसके कामगार के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ये किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं,
ठंड है, ठुठुरती ठंड है, हम लोग अपने बिस्तर में घुसे रहते हैं, हमें तो ठंड नहीं लगती है, लेकिन ये किसान धरने पर बैठे हुए हैं, ना ठंड ना गर्मी ना बरसात ना धूप, इन इन सभी चीज़ों से परे है सब। आज हम लोग नौवा दिन है, भले हम लोग खाना खाते हैं नहीं खाते हैं, हम लोग को इको गार्डन से निकाल दिया जाता है, बाकी हम लोग यही प्रण किए हैं कि घूट घूट से जीने से मतलब कि इको गार्डन में मुख्यमंत्री के दरबार में हम लोग मर जाए। 2500 रुपया में क्या होता है, जब 2500 रुपया मिलता है तो हम लोग का बच्चा कहीं फीस मांगता है, पत्नी कहीं लुका मांगती है, और खेत के बुआई का पैसा नहीं जुड़ता है, हम लोग क्या करें साहब, उसी 2500 पा करके हम लोग कहीं कमाने नहीं जा सकते। आखिर में हम लोग सोच रहे हैं कि ये इसी को कारण में हम लोग जान दे देंगे, बाकी यहाँ से जाने वाले नहीं है, 27 ग्यारह को हमारे भाई आ रहे हैं, इसी को कारण में हम लोग मन बनाया है कि जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है इसी कानून में हम लोग जान देने का काम करेंगे। देखिए आंखों से आंसू आप देख सकते हैं, एक चौकीदार खुशहाल है जो प्रधानमंत्री हैं बने, और दूसरा चौकीदार जो देश की रक्षा करने के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए सड़कों पर बैठा हुआ है, आज उसकी आंखों में आंसू हैं, ये बयां कर रहा है आंसू कि मेरे अंदर जो दर्द है वो सरकार सुन ले, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा सुनने नहीं आता है, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, कभी आज नौवा दिन चल रहा है, हम लोग एक टाइम खाते हैं और एक टाइम इसी तरह से सो जाते हैं सर, बाकी हम लोग क्या करें, बस यही एक ऑप्शन है कि हम लोग घोड़ा लेकर सड़क पर भीख मांगे तब पेट भरेगा, जब तक हम लोग मन बना लिए कि 27 तारीख को अगर भीख भी मांगना होगा तो हम लोग घोड़ा लेकर पूरा चौकीदार 10,000 की संख्या में रोड पर निकल करके भीख मांगेंगे। कितने तारीख को? 27 तारीख को सर। 27 तारीख को ये लोग भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। शर्म आती है मुझे इस देश के चौकीदार पर जो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन ये चौकीदार सड़कों पर हैं, जो असली चौकीदार हैं। हम तो यही कहना चाहते हैं, ग्राम चौकीदार हैं, नाम जगदीश है, थाना सिवली कानपुर देहात से हैं, और क्या नाम, तो मैं तो तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, मैं तो तेरे दर पे आया हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि इस दर पे आया हूँ तो मर ही के जाऊंगा, या तो कुछ करके जाऊंगा या झोली भर के जाऊंगा। ये किसानों का दर्द है और ये किसानों के अंदर से निकली हुई बात है कि हम तुम्हारे दर पे आए हैं, या तो झोली भर के जाएंगे वरना लखनऊ के इको गार्डन में मर के जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इको गार्डन में कोई मांग नहीं पूरी होती है। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों को चौकीदार से प्रहरी बनाने का, खाली नाम बदलने का आपके अंदर जज्बा रहता है, और क्या ये तनख्वाह बढ़ाने का आपके दिल में नहीं है, सिर्फ नाम बदलना चाहते हैं, हम लोग चौकीदार बोले जाते थे, आपने अगर आप जानते हैं कि चौकीदार से आपने प्रहरी नाम धरा तो क्या साथ साथ हम लोग चौकीदार आपका इसलिए हटा दिया गया, प्रहरी का नाम इसलिए दिया गया ताकि असली चौकीदार बदनाम ना हो ना सर, मतलब तो डुप्लीकेट चौकीदार ना बदनाम हो। जी सर, तो जिस तरह से हम लोग के नाम का बदलाव किया है, तो जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने से सफा लेकर हम लोग आ रहे हैं कफन जैसा है, तो उस तरह से हम लोग को उर्दू लागू करना चाहिए और सम्मानजनक एक हम लोग को वेतन देना चाहिए, नाम के साथ साथ बदलने के साथ ये भी सोचना चाहिए सर, किसी का नाम बदल दीजिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, बाकी नाम के साथ साथ काम भी बदलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि देश में अगर ये लोग मौजूद हैं तो ये भारतीय हैं, संविधान के अधीन हैं, ना कि संविधान से बाहर हैं, और ये लोग
अपनी मांगों को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं। आज कई दिन हो चुके हैं इनको यहाँ पर बैठे हुए, इनके आँखों से आंसू और कान से खून निकल आया है, लेकिन कोई नुमाइंदा यहाँ नज़र नहीं आया है। हाँ, अगर कोई नज़र आया है तो यहाँ पर इको गार्डन के अंदर वो हर एक पेड़ पौधे नज़र आए हैं, वो तारीख इतिहास में लिखे जाएंगे, जैसे कि आज़ादी के वक्त मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी थीं, एक एक दरख्त गवाह था कि हाँ किस तरीके से आज़ादी देश को दिलाया गया था। उसी तरीके से ये चौकीदार जो देश के हिस्सा हैं और इन्हें आज यहाँ पर बैठने पर मजबूर कर दिया गया, इनकी भी ज़रूरतें हैं, 2500 रुपए में कहाँ से पूरी होगी। अब ये देखना होगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इन लोगों की मांग को पूरा करेंगे या इन्हें इसी तरीके से छोड़ देंगे दर बदर भटकने के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।